ओके, अब चर्चा करते हैं सेटलमेंट के बारे में। देखो, जो टोटल सेटलमेंट होता है वो सम होता है इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का। ठीक है, टोटल सेटलमेंट को हम डिनोट करते हैं एसटी से, इमीडिएट सेटलमेंट को हम डिनोट करते हैं एसआई से, और प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को हम डिनोट करते हैं एसपी से, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को हम डिनोट करते हैं एसएस से। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल सेटलमेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, एसटी इजिकल टू एसआई प्लस एसपी प्लस एसएस, यानी कि आईपीएस। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट से। ठीक है, जिसको हम इनिशियल सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, जो सेटलमेंट तुरंत हो रहा है उसको हम बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। ठीक है, द सेटलमेंट विच टेक प्लेसेस जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन सोइल मास इज कॉल्ड इमीडिएट सेटलमेंट। ठीक है, वो सेटलमेंट जो लोड लगाते ही हो जाता है उसको हम इमीडिएट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, द सेटलमेंट विच टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन सोइल मास इज कॉल्ड इमीडिएट सेटलमेंट। ओके, इमीडिएट सेटलमेंट कैन ओकर इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सोइल मास, दैट इज ड्राई सोइल मास, पार्शियल सेचुरेटेड सोइल मास, सेचुरेटेड सोइल मास। जो ये इमीडिएट सेटलमेंट होता है ये तीनों टाइप की सोइल में हो सकता है, जैसे कि ड्राई सोइल मास है, यानी कि जो ड्राई सोइल है, यानी कि जो सूखी मृदा है उसमें भी हो सकता है, पार्शियली सेचुरेटेड सोइल मास यानी कि जो आंशिक सूखी है, मतलब कि आधी अधूरी सूखी है, आधी गीली है, उसमें भी हो सकता है, और सेचुरेटेड सोइल मास में भी हो सकता है, यानी कि जो मृदा पूरी गीली है उसमें भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट इन ड्राई सोइल एंड पार्शियली सेचुरेटेड सोइल, यानी कि सूखी मृदा और आंशिक भीगी हुई मृदा में इमीडिएट सेटलमेंट का कारण क्या है। ठीक है, पहला कारण है ड्यू टू पोअर एयर कंप्रेशन। ठीक है, सोइल मास के में जो पोर्स होते हैं उनमें जो एयर होती है वो कंप्रेस होती है, उसकी वजह से इमीडिएट सेटलमेंट होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो एयर होती है वो कंप्रेसिबल होती है और जो वाटर होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्यू टू लेटरल बल्जिंग। लेटरल बल्जिंग का मतलब है साइड से फूलना, जैसे कि ये सोइल मास है इस पर लोड लगा, ये साइड से फूल गई, तो जाहिर सी बात है ऊपर से तो कम हो जाएगी ना, तो इसको बोलते हैं ड्यू टू लेटरल बल्जिंग, जिसकी वजह से इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसका कारण है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोअर एयर, यानी कि जो पोअर एयर होती है वो भाग जाती है, भाई हम तो लोड नहीं ले रहे, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पोअर एयर के निकलने से। तो तीन कारण हो गए हमारे इमीडिएट सेटलमेंट के, ड्राई सोइल या फिर पार्शियली सेचुरेटेड सोइल में होने के। ठीक है, पहला कारण था कि पोअर एयर कंप्रेशन। ठीक है, पहला कारण हो गया पोअर एयर कंप्रेशन, दूसरा कारण हो गया लेटरल बल्जिंग, तीसरा कारण हो गया एक्सपल्शन ऑफ पोअर एयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट इन सेचुरेटेड सोइल। ठीक है, अब हम सेचुरेटेड सोइल के बारे में बात कर लेते हैं कि सेचुरेटेड सोइल में इमीडिएट सेटलमेंट किस कारण की वजह से होता है। ठीक है, सेचुरेटेड सोइल का मतलब क्या होता है, जिसमें एयर यानी कि हवा बिल्कुल नहीं होती है, वो उसके सारे पोर्स पानी से भरे हुए रहते हैं, यानी कि पूरी गीली मृदा। ठीक है, तो इसमें इमीडिएट सेटलमेंट का क्या कारण होता है, इसमें इमीडिएट सेटलमेंट का कारण होता है लेटरल बल्जिंग। ठीक है, तो ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, ये हमारी है छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे पूछ लेंगे कि जो सेचुरेटेड सोइल है उसमें इमीडिएट सेटलमेंट आने का कारण बताओ, तो वहां पर ऑप्शन में ध्यान रखना लेटरल बल्जिंग पे हमको टिक करना है। ठीक है, यहां पर एक नोट देखो, टू कैलकुलेट इमीडिएट सेटलमेंट जनरली इलास्टिक थ्योरी इज यूज्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इमीडिएट सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम इलास्टिक थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इमीडिएट या फिर इनिशियल सेटलमेंट। अब हम देखेंगे कि हम इस सेटलमेंट को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस आता है फॉर सैंड और कोएजन लेस सोइल। ठीक है, कोएजन लेस सोइल में हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, बात हो रही है इमीडिएट सेटलमेंट की, किस केस में, कोएजन लेस सोइल के केस में। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है एस आई, यानी कि इमीडिएट सेटलमेंट इजिकल टू एच नोट अपॉन सी एस लॉग सिग्मा नोट बार प्लस डेल सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नोट बार। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर सिग्मा नोट बार क्या है, इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन लेयर। क्या है यहां पर, इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है कहां पर, सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, जो कंप्रेसिबल सोइल है ना, कंप्रेसिबल सोइल की जो लेयर है ना उसके सेंटर पे। ठीक है, डेल सिग्मा बार यहां पर क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना चेंज हो रहा है, वो है सी एस यहाँ पर 1.5 क्यू सी अपॉन सिग्मा नोट बार है, क्यू सी यहाँ पर जो ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो है
ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला थोड़ा लेस इंपोर्टेंस है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जो भी सेटलमेंट होता है, जो कंसोलिडेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो खाली हम कंसिडर करते हैं कोहेसिव सॉइल में, यानी कि क्ले में और इनमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंड में सेटलमेंट नहीं होता है, होता है लेकिन क्ले के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, और इसमें जो सेटलमेंट होता है सेंड में या फिर इनमें वो इमीडिएट सेटलमेंट ही होता है, ठीक है। मतलब कि इनमें रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा होती है सेंड में, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, वैसे इस फॉर्मूले को याद करना, बाय चांस गलती से 1% चांस में पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर इलास्टिक सेटलमेंट, यानी कि जो हमारी कोहेसिव सोयल है उनके लिए हम इमीडिएट सेटलमेंट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं SI इज इक्वल टू क्यू डॉट बी कोष्टक 1 माइनस म्यू स्क्वायर कोष्टक IT अपॉन ES। यहां पर I और T अलग अलग नहीं है, ये T है जो I की टांग में घुसा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्यू यहां पर क्या है, क्यू यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के बेस पर यूनिफॉर्म प्रेशर है, ठीक है। क्यू यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू भी फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। तो क्यू यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के बेस पे जो भी यूनिफॉर्म प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बी की बात करते हैं, बी यहां पर क्या है, विथ ऑफ फुटिंग है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, फुटिंग की विथ है कौन सी है, देखो फुटिंग के नीचे क्या होगा, बी इंटू एल होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारी सर्कुलर फुटिंग है, जैसे ये हमारी कोई फुटिंग है, ठीक है, तो इसके नीचे इस टाइप से होगा, ठीक है, इसके नीचे डायमेंशन इस टाइप की होगी। तो मान लो कि ये बी है, ठीक है, और ये एल है, ठीक है। अब यहां पर विथ ऑफ फुटिंग हम क्या लेंगे, विथ ऑफ फुटिंग लेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि बी और एल में से जो कम है वो वाली वैल्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया, बी यहां पर क्या है, विथ ऑफ फुटिंग यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। म्यू यहां पर क्या है, म्यू यहां पर पॉइजन रेशियो ऑफ सोइल है, ध्यान रखना म्यू यहां पर सोइल का पॉइजन रेशियो है जो 0.35 से 0.50 के बीच में वेरी करता है। ES यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सोइल है, ठीक है, सोइल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है, ठीक है। IT यहां पर क्या है, इन्फ्लुएंस फैक्टर या फिर हम इसको शेप फैक्टर भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आया तो उसमें दी हुई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की, जिसको डिनोट करते हैं हम SP से, ठीक है। इमीडिएट सेटलमेंट का काम खत्म हो गया, हमने कोहेजन लेस सोइल के लिए भी देख लिया इमीडिएट सेटलमेंट और कोहेजिव सोइल के लिए भी देख लिया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की, जिसको डोनेट करते हैं हम SP से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसके फॉर्मूले हम देखते हैं, इफ वॉइड रेशियो इज नोन, अगर हमें वॉइड रेशियो पता है तो उस केस में हम प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1+ E0, ठीक है। यहां पर देखो हमको फाइंड क्या करना है, ये हमें डेल एच फाइंड करना है, ठीक है, यही हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है, इसको हम यहां पर डेल एच लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हेयर ई नॉट यहां पर क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो है, डेल ई यहां पर क्या है, ई नॉट माइनस ई 100, ठीक है, और एच नोट यहां पर क्या है, डेप्थ ऑफ सोइल ले रहे हैं, एच नोट हमारे क्या है यहां पर, डेप्थ ऑफ सोइल ले रहे हैं। डेल एच यहां पर क्या है, अल्टीमेट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से हम डेल एच आराम से फाइंड कर सकते हैं, डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन 1+ E0, और ये एच नोट को इधर से गुणा करा देंगे। तो इस टाइप से हमें प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी कि SP की वैल्यू मिल जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो रट लेना इस फॉर्मूले को, डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1+ E0, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, तो रट लेना इसको। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो आता है व्हेन ME इज नोन, अगर हमें ME की वैल्यू पता हो, ठीक है। ME यहां पर क्या है, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान रखना ME यहां पर क्या है, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है। अगर ME की वैल्यू हमको पता है तो डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू ME डॉट डेल सिग्मा बार, इस फॉर्मूले की मदद से हम डेल एच को फाइंड कर सकते हैं, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट केस कौन सा आ रहा है, व्हेन कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन CC इज नोन, अगर हमें कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन का पता है तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो देखो
डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू सी सी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा वन बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनसीसी सोइल के लिए, यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सोइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसीसी सोइल के लिए, तो ओसीसी सोइल के लिए फॉर्मूला यूज होगा डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू सी आर अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा वन बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, खाली सीसी की जगह पर सी आर हम रख देंगे, ठीक है, ये ओसीसी के लिए भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर ओसीसी और एनसीसी दोनों टाइप की सोइल है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जैसे कि ये हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, तो यहां तक तो ओसीसी के लिए आया, फिर ये एनसीसी के लिए आया, ठीक है। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या होगा, डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू इस ये ओसीसी के लिए सी आर आता है, तो सी आर अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा वन बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, ठीक है, सिग्मा वन बार अपॉन सिग्मा नॉट बार, ठीक है। फिर बात करते हैं एनसीसी के लिए, तो एनसीसी के केस में सीसी आएगा, तो सीसी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक ही आ रहा है ना, तो सिग्मा टू बार अपॉन सिग्मा वन बार, ठीक है। तो इस ग्राफ की मदद से इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं हम, ठीक है।